हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। तो बस अभी मैं सो के उठी हूँ और पीछे देख सकते हैं बच्चे अभी भी सोए हैं और हम लोग ये नेट लगा के सोते हैं क्योंकि मच्छर होता है रात में, तो बच्चों के लिए ही सेफ है। और बस अब फ्रेश होने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ चाय बनाने के लिए क्योंकि सुबह की शुरुआत मेरी चाय के साथ ही होती है, तो सुबह सुबह मुझे चाय चाहिए ही होता है। तो बस यहाँ चाय बन रही है और साथ ही ना मैं यहाँ दूसरे काम भी चाय बनने के साथ साथ कर लेती हूँ, जैसे कि रात के धुले हुए बर्तन और रखें इन्हें भी अरेंज करके रख दूँगी। और साथ ही ना फ्रिज से जो भी ब्रेकफास्ट या लंच के लिए जो भी चीज़ें लगेगी मुझे फ्रिज से निकालने की ज़रूरत है उन सबको मैं अभी निकाल के रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, फिर बाद में अपना यूज़ होगा, बनाती रहूँगी मैं। और बस तो यहाँ चाय में अदरक भी दे दिया मैंने क्योंकि सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, बिना अदरक की चाय मैं नहीं पीती हूँ, मुझे अदरक वाली चाय ही पसंद है। और यहाँ ना मैं सिर्फ अपने लिए ही चाय बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं पियेंगे क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है ना, तो उनका चलता है, मतलब वो ज़्यादा गर्मी हो तो वो कभी नहीं पीते हैं, उनको मेरी तरह आदत नहीं है, जो उन्हें चाय चाहिए ही होता है तो इसलिए वो नहीं पी रहे हैं आज चाय। तो बस मैंने सिर्फ अपने लिए चाय बनाई है और उनके लिए मैं दूसरा कुछ ब्रेकफास्ट बनाऊँगी अभी। तो मैं सो के उठी थी तब मौसम बिल्कुल सही था, लेकिन अभी एकदम अंधेरा सा हो गया बाहर, ऐसे लग रहा है बारिश आने वाली है। और मैंने रात में हेयर ऑयलिंग की थी इसलिए मैं इतनी चिपकू चिपकू सी लग रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, चाय पी लूँ मैं पहले, उसके बाद बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो चाय बनने के बाद अब मैं आ गई ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और अभी मेरी घर की साफ़ सफाई नहीं हुई है तो आज मैं पहले ब्रेकफास्ट बना लूँगी, उसके बाद फिर बाकी का काम करूँगी, साफ़ सफाई करना, फिर नहाना, वो सब होगा क्योंकि हस्बैंड को आज थोड़ा सा जल्दी जाना है, तो इसलिए मैं पहले ब्रेकफास्ट बना दे रही हूँ ताकि वो भी टाइम से अपना खा के निकल जाएं, उसके बाद फिर मैं अपना काम करती रहूँगी। और यहाँ बन रहे हैं पोहे, तो मेरे घर में ज़्यादातर ब्रेकफास्ट के दिन में पोहे ही बनते हैं क्योंकि ये मेरे घर में सबको ही पसंद है, कैंडो भी खा लेता है अच्छे से और हस्बैंड और हर्षित सब लोग खा लेते हैं अच्छे से। और अभी स्कूल नहीं है ना तो मैं ऐसे सुबह के टाइम रोटी पराठा ये सब नहीं बनाती हूँ, ऐसा कुछ हल्का फुल्का ही पोहा उपमा ये सब ही मेरे ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर बनते हैं, जो जल्दी भी बन जाते हैं और हल्का भी होता है खाने में और सबको ही पसंद है तो उस हिसाब से मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पोहे मेरे बन के रेडी हो चुके हैं और बस लास्ट में डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया जो कि पोहे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तब इवनिंग का टाइम हो रहा है और कैंडो अभी तक सो रहा है और मैं भी सो गई थी, थोड़ा सा आँख लग गया था मेरा। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है आज। और वैसे अभी मैं जा रही हूँ किचन में, थोड़े बहुत काम है, दोपहर में जो खाना खाया था तो बर्तन और धोने हैं तो सब मैं धो लेती हूँ जब तक कैंडो उठे, फिर उसका इवनिंग स्नैक्स और बनाऊँगी। और शाम को थोड़ा सा बाहर निकलना है तो इसलिए जो थोड़ा बहुत काम है किचन का वो सब निपटा लेती हूँ। तो चलिए जल्दी से काम कर लो। तो यहाँ बन रही है मेरी शाम की चाय और साथ ही दूसरी तरफ मैं रात के डिनर के लिए सब्जी भी बना रही हूँ, जो आलू और काले चने की सब्जी है। तो बाहर निकलना है ना तो कहीं निकलना होता है तो मैं इसी तरह से सब्जी एटलीस्ट बना के जाती हूँ और आटा भी मैं लगा के जाऊँगी ताकि आने के बाद मुझे सिर्फ रोटी बनाना रहे और कोई ज़्यादा काम ना रहे। और साथ ही ना ये जो दिन के बर्तन और थे ये सब भी देखिए मेरे साफ़ हो चुके हैं। तो फाइनली अब रेडी हो चुके हैं हम लोग, है ना कैंडू, कहाँ जा रहे हैं? ऑटो से। तो आज क्या इनके पापा नहीं है तो इसलिए हम लोग ऑटो से जा रहे हैं और जा रहे हैं अपने देवर जी के घर। देवर जी का जो लड़का है उसका नाम है क्रियांश, तो हम लोग क्रियांश से मिलने जा रहे हैं। और हम लोग ऐसे संडे को जाते हैं लेकिन कल क्रियांश रहेगा नहीं, वो अपनी नानी के घर जाने वाला है, इसलिए हम लोग आज ही जा रहे हैं मिलने। तो ऑटो से जा रहे हैं और वहाँ से आते समय इसके पापा पिक कर लेंगे, अभी वो गए हैं उनका क्लास है। तो फिर चलिए चलते हैं, काफी दिन हो गए, काफी दिनों बाद हम जाएंगे क्रियान से मिलने और वो नानी के घर से जब तक आएगा ना तब तक शायद इनका समर वैकेशन खत्म हो जाए तो फिर मिलने जाना नहीं हो पाता है, स्कूल रहने से बहुत कम टाइम मिलता है, तो इसलिए मैं सोची जाके मिल के आती हूँ, काफी दिन हो गए। तो यहाँ हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और बस इस ऑटो के बाद एक और ऑटो हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट ऑटो नहीं है मेरे देवर जी के घर जाने के लिए, तो बस ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ ज़्यादा चलना और हमें नहीं पड़ता है, ऑटो से उतरेंगे और दूसरे में बैठेंगे
लेकिन बस यही होता है अभी शाम का टाइम है ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। हम लोग बिल्कुल टाइम से ही निकले थे घर से, लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि पहुँचते पहुँचते हमें थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि जी मेरे घर से मतलब जितना भी हमें सिग्नल पड़ रहा था ना, रेड लाइट हर जगह हमें रुकना पड़ रहा था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। और वहाँ पहुँचने के बाद क्रियांश जगा हुआ ही था, लेकिन मैंने उसे जैसे ही गोद में लिया, थोड़ी देरी बस 5 मिनट करीब मैंने उसे गोद में रखा होगा और वो सो गया मेरी गोद में ही। तो बस आज उसका सोने का मूड था, और दिन आते थे हम लोग तो वो जगह ही रहता था इस टाइम पे और हम उसके साथ खेलते थे, लेकिन आज जितने देर भी हम वहाँ रहे बैठे वो सोया ही रहा, वो उठा ही नहीं बिल्कुल, तो इसलिए हम लोग उसके साथ खेल नहीं पाए। तो यहाँ पे मैंने उसे गोद में लिया हुआ है और हर्षित भी वेट कर रहा है जो ये कब उठेगा, तो मैं इसके साथ थोड़ा खेलूँगा, लेकिन बस वो सोया ही रहा है और मेरी देवरानी के साथ यहाँ मैं बातें कर रही हूँ। और जब हम लोग वहाँ से आ गए ना, उसके बाद वो उठ जगा है, नींद उसकी पूरी हो गई और उसके बाद देखिए कितने अच्छे से वो खेल रहा है। तो ये क्लिप बाद में मेरे देवर जी ने मुझे भेजी थी और बताया देखिए भाभी आप लोग चले गए तब ये आराम से उठ के खेल रहा है, तो आज इसका हमारे साथ खेलने का या बात करने का मूड नहीं था, ये आराम से सोया है शैतान और बस अब उठ के आराम से खेल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो उसके साथ खेल लेंगे। और बस अब हम लोग घर आ चुके हैं, तो बस काफ़ी देर हम लोग वहाँ रहे थे, तो वापस आने में हमें लेट हो गया क्योंकि क्रियांश के उठने का ही हम लोग वेट कर रहे थे, जो ये उठ जाए तो थोड़ा देर इसके साथ खेल लें, थोड़ा इससे मिल लें तब जाएंगे। लेकिन ठीक है, बच्चा है वो, तो उसका तो अपना रूटीन है, वो हमारे हिसाब से तो नहीं चलेगा, तो कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग घर पहुँच चुके हैं और यहाँ मैं गेट लॉक खोल रही हूँ, और घर आते ही ना सबसे पहले मैं चली जाऊंगी किचन में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा ना तो फिर कैंडू सोने के लिए रोने लगेगा, फिर वो खाना नहीं खाएगा। तो हम लोग आ चुके हैं, अब 10:30 बज रहे हैं रात के और अब मैं जा रही हूँ। तो यहाँ डिनर मेरा रेडी हो चुका है, रोटी बन गई है और काले चने की सब्जी तो मैं पहले ही बना के गई थी, तो बस अब मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।